सो गाइज हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज पहले वीडियो पे मैंने बताया था कि कैसे वो जो सारे वेबसाइट है वो काम करेगा, मैं शॉर्ट्स पे डालूँगा, बट आप लोगों को वो समझ में नहीं आया तो आप लोगों ने मुझको फेसबुक पे मैसेज किया कि कैसे काम कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो चलिए उसका करते हैं सल्यूशन आज अभी इस फुल लेंथ वीडियो के अंदर। तो गाइज़ आपने जैसा बताया कि बगमी नोट का चाहिए तो लेके आ गए हैं हम। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। आप देख रहे हैं टेक गिग, मैं हूँ मौलिक। तो गाइस सबसे पहले शुरू करते हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट जो कि बगमी नोट के बारे में है कि बगमी नोट किस लिए है, कैसा वेबसाइट है, ये सबसे पहले जान लेना ज़रूरी है। तो गाइस क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद आप सिंपली सर्च कर सकते हैं bugmenot.com एंड आप आ जाएंगे इस वेबसाइट के ऊपर। तो टर्म्स एंड कंडीशन में जाके आप सब कुछ पढ़ ही सकते हैं, फिर भी मैं बता दूँ कि वेबसाइट स्पेशली किस लिए बनाया हुआ है। ये गाइस वेबसाइट इसीलिए बनाया हुआ है कि अगर आप कोई भी एक वेबसाइट के अंदर बना बनाया हुआ एक अकाउंट चाहते हैं तो उस लिए, मतलब कि आपका खुद का जो जीमेल है वो रिक्वायर्ड नहीं होगा कोई भी वेबसाइट पे लॉगिन करने के लिए। आप सिंपली यहां से अकाउंट से लेकर जो रिलेटेड मतलब आईडी है वहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं। तो उस वेबसाइट रिलेटेड जो सारे न्यूज़ होते हैं, स्पैम रिपोर्ट होते हैं, मेल होते हैं, तो वो आपको रिसीव नहीं होगा। गाइस अभी बात करते हैं अगर इंटरफेस का, तो आप देख ही पा रहे हैं इंटरफेस बहुत ही एक सिंपल सा इंटरफेस है एंड थोड़ा सा लिखा हुआ है एंड नीचे लिखा हुआ है सर्च योर डोमेन और URL करके एक सर्च ऑप्शन दिया हुआ है। तो गाइज़ यहाँ पे क्या कर लेना है, बहुत सा सिंपल चीज़ है। आप यहाँ पे जस्ट वो वेबसाइट के अंदर आप बना बनाया हुआ अकाउंट चाहते हैं उस वेबसाइट का URL जो है और डोमेन मतलब जैसे कि google.com, तो ये एक डोमेन है गाइज़। तो अगर आप ऐसा कुछ उस वेबसाइट का लेके इधर आके पेस्ट करके सर्च करते हैं तो गाइस यहां से आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मैं सर्च करता हूँ appsumo.com, तो appsumo.com के अंदर जितना भी सारे एक्सेस है वेबसाइट का वो आ गया है यहां पे। तो आप देख पा रहे हैं फर्स्ट वाला ग्रीन होके रखा है क्योंकि मैंने शॉर्ट के ऊपर आपके सामने लॉगिन किया था, उस पर मैंने इसको राइट मार्क दिया था। और गाइस कुछ चीज़ का ध्यान रखना, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यूज़र नेम एंड पासवर्ड दिया गया है appsumo का, तो आप चेक कर लेना कि कितने साल पुराना है, कितना सारा पॉजिटिव वोट है एंड कितना सारा नेगेटिव वोट है इसके रिलेटेड। तो यहाँ पे आके आप देख सकते हैं जो लास्ट वाला है, लास्ट वाला जो यूज़र नेम एंड पासवर्ड है, इसमें गाइस नेगेटिव रिपोर्ट बहुत ज़्यादा है, मतलब कि इसके अंदर सक्सेसफुली लॉगिन नहीं हुआ है एंड गाइस। और बाकी दो जो है उसमें बहुत ज़्यादा सक्सेस रेट है, इसका मतलब कि ये दोनों जो आईडी है ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो आप सिंपली इन दोनों में से कोई एक को चूज़ करके कर सकते हैं appsumo के अंदर लॉगिन। और गाइस लॉगिन का पार्ट मैं यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये जो लॉगिन का पार्ट है वो मैंने क्लियरली दिखा दिया था यूट्यूब शॉर्ट के ऊपर। तो आप वो अगर चेक नहीं किया तो चेक करना कि कैसे करते हैं यहाँ से यूज़र नेम एंड पासवर्ड को लेके लॉगिन। गाइस इस रिलेटेड और भी कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे मैंने appsumo.com सर्च किया, यहाँ पर आके आप और भी बहुत सारे डिफरेंट डोमेन और URL सर्च करके देख सकते हैं। जो bugmenot.com है ये बहुत सारे वेबसाइट में इसका एक्सेस है। तो सिंपली बहुत सारे वेबसाइट जो है उसमें से जो वेबसाइट में आप चाहते हैं वो वेबसाइट अगर आ जाए तो bugmenot के थ्रू में आप कर सकते हैं एक बनाया हुआ अकाउंट पर लॉगिन। तो गाइस यही था आज का वीडियो, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया है। अगर इसके बाद भी कुछ डाउट रह गया तो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना, मैं सल्यूशन लेके आ जाऊंगा बहुत ही जल्दी और एक वीडियो के साथ हम वापस आ जाएंगे।